क्या क्या मारा हमने वो बता। हाँ तो आज बाइसेप्स और बैक मारे, कैंची कौन सी मशीन मारी देखो, एक नंबर वाली और डैपी डम्बेल और वहाँ पे बाइसेप की मशीन वो वाली। नागेश ने अलग मारा, मैंने थोड़ा थोड़ा मारा आज। आज फाइनली आप कर रहे फायर इकट्ठा कर ली और पेपर्स भी ला ली, सभी ज़्यादा त्याग और भाई भी कोई नहीं आ रहा, मम्मी आएगी शायद से, और तब तक के लिए पहले तो आग ज़्यादा दी, लाइट वगैरह लगा दिए मैंने। तो आंटी देख रही थी ना इसलिए मैं तो। यो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी आप बोल रहे हो कि ये ब्लॉग स्टार्ट क्यों कर रहा है ऐसा, तो घर से घर पे नहीं कहा जा रहा है। सो मैं जा रहा हूँ दूध लेने के लिए, सुबह सुबह कुछ तो प्रोटीन खाने का मन किया तो अभी जा रहे दूध लेने के लिए, मतलब प्रोटीन मतलब कुछ तो खाने का मन किया तो अभी जाते दूध लेने। अपना आगे इसका घर पर अभी है क्या नहीं देखते उसको, चलो। सो है भाई आज घर पे, आपको मैं इस बंदे से मिलाने वाला हूँ जिस बंदे को आपने एक दो हफ्ते से देखा ही नहीं होगा। तो देखो नागेश फिट। तो भाई साहब अभी जा रहा हूँ दूध लेने के लिए, क्या बोलता भाई, मैं बीमार था ना इसलिए मैं ही नहीं आ रहा था बाहर, आपने वैसे दूसरे का नौको इसलिए ये मस्त एकदम फिट है, इसको कुछ टेंशन नॉट है। सो अभी आते हैं दूध लेने के लिए उधर, और भूख भी बहुत लग रही है, उसके बाद आज मेन काम करना है ना हमको। आज काम है भाई बाहर जाने का। जाने का आज कितने बजे? 11 से थोड़ी देर के लिए। हाँ कुछ नहीं, फिर आज मेन काम है कटिंग का भैया, इतनी गाली खा रहा ना मैं कटिंग के लिए, तो ये साइड के वाल की वजह से अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी मस्त है सब। तो जाएंगे आज, इसका भी क्या काम है वो बोलते रहेंगे। चलो तो भाई चलो, अभी दूध तो लेके आ चुके हैं घर, गर्म करने के दूध डाल दिया अभी। सो अभी आपको बताता हूँ कि सीन क्या है आज का। तो आज हम जाने वाले कटिंग करने के लिए 1 बजे शायद से, हाँ 1-1.5 बजे तक जाएंगे, क्योंकि उसका फ़ोन आ जाएगा, हमने उसका नंबर लगा दिया कटिंग के लिए, बेसिकली नंबर लगाना पड़ता है, बहुत गलती होती है ना। और आज मंडे है तो आज बंद होता है, पर उसका आज शादी का ऑर्डर था इसलिए वो बोला कुछ नहीं, उनका होने के बाद तेरे को फ़ोन कर दूंगा, तो आ जा बाल काट देंगे। सो मेरा क्या कहना है मालूम क्या, क्योंकि मेरे को ना पूरे बाल नहीं काटने, फर्स्ट टाइम इतने बड़े बाल हो गए मेरे, मैं इससे पहले कभी स्कूल में छोटे छोटे बाल होते थे, और इतने बड़े बाल देखो फर्स्ट टाइम हो गए मेरे। और मेरा चालू है कि साइड के काटे और ऊपर के वैसे रहने दे, बट पूरे नहीं, थोड़े बहुत, और सिंगल साइड ही, मतलब हर बार नॉर्मल अपना कटिंग होता है ना वैसे ही करेंगे, कोई फैंसी ऐसा ऊपर वैसा नहीं। सो वैसा कुछ अच्छा नहीं लगता मेरे को भी, और वैसा नहीं करेंगे हम, और नॉर्मल सिंपल कटिंग करके आएंगे, इस साइड का काटेंगे पूरा काटेंगे, फ्रेश होकर आएंगे। तो बेसिकली आज से हम जाने वाले जिम को, सो फिलहाल टेंशन नॉट, आज का जिम, आज से जिम लगाएंगे सच्ची में, जाने वाले आज से जिम को। अभी फिलहाल सब ब्लॉग वगैरह लेट हो चुका है, अपलोड को लगा दिया है, और एक बैड न्यूज़ है, ब्लॉग आज अपलोड क्यों नहीं हुआ, मतलब लेट क्यों हो गया। तो अभी बज रहे 1:12 बज रहे अभी, सो अभी हम 1 बजे तक वापस जाएंगे। तो ब्लॉग अपलोड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वाईफाई का बैलेंस खत्म हो गया था, तो मैं वही बोल रहा था क्यों नहीं हो रहा। सो अभी बैलेंस वगैरह भी डाल दिया वाईफाई का, और अभी थोड़ी देर में नेट वापस आ जाएगा, तब तक के लिए अभी तो नहीं अपलोड कर सकते, और फ़ोन के नेट पर तो अपलोड ही नहीं होता है, 5 और 6 MB के ऊपर का ही हो जाता है वो। सो फिर वो फ़ोन के नेट से 2 मिनट में 50 MB और 100 MB का अपना 50% और 100% का मैसेज आ जाता है, तो फ़ोन पे तो कुछ अपलोड नहीं कर सकते। सो अभी जाते कटिंग के लिए, और आने के बाद ही अपलोड कर देंगे अभी। चलो तो गाइज अभी फ़िलहाल मैं तो यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और देखो लास्ट टाइम बालों की हालत दिखा रहा हूँ आपको। सो अभी कटने वाले अपने बाल, तो अभी वेट कर रहे थे यहाँ पे, तो अभी आपसे डायरेक्ट मैं बाल कट करके ही मिलता हूँ। तो चलो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइज फिलहाल कटिंग तो अभी हो चुकी है, और मैं आपको कटिंग अभी नहीं दिखाऊंगा, घर पे जाके मस्त नहा के दिखाऊंगा, क्योंकि आप भी बाल आते सेट हुए नहीं ना, सो घर पे जाके मस्त नहाएंगे और फिर उसके बाद आपको बाल दिखाता हूँ। अभी मैं हूँ आयोलाव नगर के यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे कोई नहीं था, और जाते रास्ता यहाँ से है ना, सो मैं बोला चलो कि आपको दिखा दे, और यहाँ पे मस्त फूल आए गाइस, मस्त पौधे यहाँ पे। सो मेरा क्या चालू था प्लान, कि मैं यूट्यूब पर थोड़ा सा ट्यूटोरियल वीडियो देखा था कि सिनेमैटिक शॉट्स के, तो वो ट्राई करने का सोच रहा था मैं, बट वो ऐसा कुछ हो रहा ही नहीं है, सेम सो अलग ही हो रहा है। तो देखते हैं, अभी मैं निकलता हूँ घर पे जाके हिट करके, देखते हैं बीट वगैरह लगा के सेम मैच होता है कि नहीं, सो चेक करो। हम तो उड़ गए तो है समय, हम तो है जमीन, हमसे ना कभी, हम तो हो गए जमीन।
आपको थोड़े बहुत सिनेमेटिक शॉट्स दिखा दिए। सो अभी जाते घर पे, जल्दी से नहाते और ना बहुत देर से बाहर थे, मतलब उधर टाइम बहुत लगा, ज़्यादा नंबर भी नहीं थे, नंबर लगे गए थे इसलिए एक ही आदमी था, उसके बाद हमारा नंबर डायरेक्ट लग चुका था। सो अभी जाते घर पे और नहाते, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलो, तो गाइस अभी फिलहाल मैं तो हूँ नहा के मस्त रेडी फ्रेश था एकदम। सो कटिंग के ऊपर दिख रहा है, ऊपर जाके बात करेंगे उस फिलहाल में उस टॉपिक पे। सो अभी मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ अपना शॉप। सो देख सकते हो अभी शॉप एकदम मस्त रेडी है। सो मस्त अभी इधर पोछा वगैरह भी लग चुका है, सब मतलब क्लीन हो चुका है, अभी सूखेगा, अभी लगाया है थोड़ी देर पहले। सो अभी मस्त सब काम हो चुका है और अभी मैं अंदर नहीं जाऊँगा अभी मैं। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी सिर्फ बस सामान लाना है और रैक्स वगैरह ला चुके हैं, रैक्स अंदर है, दो रैक्स लाए और अभी और सामान ला रहे हैं। सामान लाने के लिए शायद से हम कल जाएंगे और अभी रैक्स वगैरह लाए और थोड़े से बुक्स वगैरह भी लगाने यहाँ पे ऐसे क्योंकि उस पर चिप्स वगैरह लगा सके इसलिए। सो अभी शटर खुला रख दिया था सूखने के लिए। अभी हम जाते ऊपर और आज से हम एक बहुत मस्त चीज़ करने वाले और वो अपने सेहत के लिए भी अच्छी होती और वो हम अकेले नहीं तो हम नागेश के साथ करने वाले और मैं, मेरा भाई और नागेश, हम तीन लोग जाएंगे। सो देखते हैं अभी क्या है। चलो अभी ऊपर जाके बताओ आपको, मेरे को ना ब्लॉग अपलोड करना है, मैं अपलोड ही नहीं किया आज ब्लॉग इसलिए आज लेट हो गया, नेट का बैलेंस भी सभी सब डाल दिए, सब एकदम मस्त चल रहा है। सो अभी ऊपर जाता हूँ और ब्लॉग अपलोड करता हूँ। तो चलो, तो मैं आपको मतलब बताना चाहता था कि आज से हम जाने वाले जिम को। सो जिम को मैं, अपना भाई और नागेश, सो वी आर गोइंग टू जिम फ्रॉम टुडे। सो फिर आज देखेंगे क्या क्या होता है पहले दिन में जिम में। सो इससे पहले कभी गया नहीं, मतलब एक बार गया था जिम में, सब कल ही बता दिया था लॉकडाउन में, तो जब कोरोना खत्म हो गया था सेकंड वेव तब गया था एक बार, उसके बाद तब एक ही महीने गया था मैं, उसके बाद कभी जिम में नहीं गया कुछ नहीं। सो तालीम में गए थे, जिम में तभी से कभी नहीं गया, एक महीना गया तभी, क्या बेच रहे भगवान। तो हाँ तभी गया था जिम में, उसके बाद से तभी अभी तक कभी जिम में नहीं गया। सो आज जाने वाले जिम में, तो आज जिम का हमारा फर्स्ट डे होने वाला है पूरे 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 डेढ़ साल बाद, मतलब तभी एक ही बार गया था बट अभी पूरे डेढ़ साल पकड़ लो कुछ नहीं। सो एक डेढ़ साल बाद आज जा रहे हैं हम जिम को। तो अभी मैं फटाफट से करता हूँ ब्लॉग को अपलोड, आपको दिखा देता हूँ। नेट भी मस्त चल रहा है अभी, देखो टुडुंग 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 मस्त लकड़ियाँ दिखा रहे हैं, उसके ऊपर भी मस्त लाइट ब्लिंक हो रही है। सो अभी मैं करता हूँ ब्लॉग को अपलोड, फिर अपलोड होने के बाद 6 बजे हम जाएंगे जिम को। अभी बज रहे 5 और घंटा है अपने पास 1, तो अभी और 1 घंटा है। नागेश का भी फोन आया था, हमारा पहले टाइम फिक्स हुआ था 7:30 या 8 बजे जिम का, बट तभी बहुत अंधेरा हो जाता है, फिर आने में फिर 8 बजे जाएंगे और फिर कभी आएंगे घर पे, तो फिर इसलिए हमने टाइम फिक्स किया 6 बजे का। सो 6 बजे जाएंगे तो 8 बजे तक हम घर पे आ सकते हैं, मतलब 2 घंटा, मतलब जिम तो 1 घंटा मारेंगे, उसके बाद फोटो वीडियो, नागेश भाई है, नागेश अपना भाई है, उधर जिम में गए और वीडियो नहीं निकाला, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। तो नागेश है फिर एक डेढ़ घंटा उसमें चला जाएगा वीडियो फोटो दो रोज में, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, उधर गए ना रील्स वगैरह नागेश का आप चेक करो, मैं आईडी दे दूंगा इंस्टा के इसकी डिस्क्रिप्शन में, तो रील्स वगैरह अभी खतरनाक आते हैं उसके। और अभी मैं करता हूँ अपलोड, सबसे पहले अभी बहुत बड़बड़ हो गई, अपलोड नहीं किया ना फिर टाइम पे नहीं आएगा, सब 9 बजे आता है ब्लॉग, आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि ब्लॉग जल्दी अपलोड नहीं हो गया। सो मैं करता हूँ अभी सबसे पहले अपलोड, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइज अभी मतलब वो टाइम आ चुका है कि अभी हम जा रहे हैं, 6 बजे जाने वाले थे, अभी बज रहे 7, तो ये थोड़ा बाहर गया था और अभी फिर मैं भी आ चुका हूँ तैयार होके। सो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए जाते जल्दी से जिम में। तो चलो, तो हाँ तो आज क्या क्या मारा हमने वो बता, बाइसेप्स एंड बैक। हाँ तो आज बाइसेप्स और बैक मारे, कौन सी मशीन मारी, देखो 1 नंबर वाली और डंबल और वहाँ पे बाइसेप की मशीन वो वाली, नागेश ने अलग मारा, मैंने थोड़ा थोड़ा मारा आज। हाँ तो आज मैंने कुछ इतना ज़्यादा नहीं मारा, थोड़ा थोड़ा मारा और कल देखेंगे। वो उधर सर गुरु जी सर
चलो आपने जिम तो हो चुकी है, अभी नीचे जाके मस्त आराम से बात करेंगे जितनी बात करने की। क्योंकि ऊपर ना आज मेरा फर्स्ट डे था तो इसलिए अभी तक कोई मतलब फ्रेंडली भी नहीं अपने साथ, तो इसलिए ऊपर बोलना जरा अफोर्ड लग रहा था। और सब ना फर्स्ट टाइम था, मतलब फर्स्ट डे था, तो कैमरा ऑन करने के बाद सब मुँह के पास देख रहे थे। तो आज फिलहाल फर्स्ट डे था, उसने एक बार फ्रेंडली होने के बाद सब दो तीन दिनों में सब मतलब पहचानने लगे ना हमको, तो फिर कुछ नहीं, फिर फ्रेंडली ब्लॉग बनाते जाएंगे। और ऊपर गाने भी चालू होते ना तो इसलिए कॉपीराइट क्लेम आने का होता है। तो मैंने गाने बंद करके आप भी शूट किया, तो आप भी, मैं जब निकल रहा था ना सब देख रहे थे, इसलिए मैं बोला और कुछ नहीं निकालने का, तो निकाला मैंने अभी। अपन आगे से आ चुका है तो इसलिए ज़रा ऊपर ज़रा अफोर्ड हो रहा था ना, इसलिए मैंने बोल रहा था अपनी जिम है, अपनी जिम है भाई। अभी दो तीन दिन में सब पहचान के हो जाएंगे, तो फिर नो टेंशन, उनको भी लेते जाएंगे ब्लॉग में। सो फिलहाल अभी तो निकलते घर पे। तो गाइस फिलहाल अभी यहाँ पे तो आ चुके हैं, देखो वहाँ पे नागेश तो उसका घर यहाँ पे, तो अभी उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। अभी हम जाते हैं घर पे, सो बहुत भूख लग रही, घर पे जाके फ्रेश होंगे फिर, तो उसके बाद खाएंगे खाना। आज जरा मतलब ना बॉडी में हल्का हल्का लग रहा है, थोड़ा सा वर्कआउट किया ना तो अच्छा लगता है बस, और कुछ नहीं। सो वर्कआउट करना चाहिए भी ना सो लाइफ में। तो वेट बहुत बढ़ रहा था, तो अभी जाना तो पड़ेगा वर्कआउट करने के लिए। सो रनिंग को कभी कभी पॉसिबल नहीं होता था, इसलिए हम अभी जाएंगे नागेश के साथ कंटिन्यू जिम जाते आएंगे शाम में। और लगा तो कल सुबह से, कल उठे तो क्योंकि रात में ना ईटिंग करके लेट हो जाता है, तो उठे तो हम जाएंगे कल सुबह रनिंग के लिए। तो रात में ईटिंग करके एक दो बज जाते कभी कभी, मतलब कभी दरवाजे बज जाते अपलोड करने ब्लॉग, सो फिर ईट करके, तो सुबह उठना कभी कभी नहीं पॉसिबल हो जाता, कभी कभी उठ जाते सुबह, कैसे 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 उठते क्या मालूम, पर कभी कभी नींद खुल गई ना तो उठ जाते। देखते कल अलार्म लगाऊंगा मैं अलार्म, और उठे तो जाएंगे रनिंग के लिए। तो अभी सबसे पहले आता हूँ मैं घर पे। चलो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस अभी खाना तो हो चुका है मस्त, तो अभी खाना वगैरह खा के मैं तो बैठा था, ठंडी भी इतनी हो रही, तो मैं बोला कल भी करना था परसों भी करना था। सो अभी आज फाइनली हम कर रहे फायर, क्या बोलते फायर के। सो देखो अभी तक लग गया इकट्ठा कर लिए, अभी पेपर्स भी ला लिए। सो अभी जाते आग, और भाई भी कोई नहीं आ रहा, मम्मी आएगी शायद से, और तब तक के लिए पहले तो आग जलाती, लाइट वगैरह लगा दी मैंने। सो आग लगने के बाद ना लाइट्स वगैरह भी बंद कर देगी एकदम मस्त, और इधर ही बैठ के ईटिंग करूँगा मैं थोड़ी देर, और फिर उसके बाद जाएंगे अंदर। तो पहले तो अभी जलाते हैं इसको, तो चलो। तो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पे चालू आग, और अभी मस्त यहाँ पे मैं इसको चलन देता हूँ, और अभी बैठे बैठे मैं भी एडिटिंग कर देता हूँ। तो फिलहाल मैं करता हूँ इस ब्लॉग को यही पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज के ब्लॉग में हम गए थे जिम में, सो आज का जिम का हमारा फर्स्ट डे था, इतना कुछ ज़्यादा हमने किया नहीं, पर कल से और मतलब दो तीन दिनों से कंटिन्यू करेंगे, मतलब अलग अलग सेट्स लेंगे। तो आज थोड़ा मिक्स ही मारा, मतलब अलग अलग थोड़ा थोड़ा, तो आज इतना कुछ नहीं। सो और दो तीन दिनों बाद एकदम मतलब नागेश के साथ मारते जाएंगे। सो फिलहाल मैं करता हूँ इस ब्लॉग को यही पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते गए एक न्यू और फ्रेश ब्लॉग में जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।